हमें माफ कीजिएगा आयश्री साहिबा, हम यहाँ आना तो नहीं चाहते थे लेकिन हमें आना पड़ा। ये धोखेबाज पंडित ही नहीं है। असली पंडित तो ये जिन्हें बिठूर के पेशवा श्रीमंत बाजीराव ने भेजा था। हुजूर, ये नकली पंडित और इन्हें अगवा कर लिया गया था। सिर्फ इसलिए ताकि आपकी शादी जायज तरीके से ना हो सके। के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है। मोतीबाई, साजिश पहले रची गई थी या तुम अब रच रही हो? आयश्री, हमें ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझकर महाराज के विवाह में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। ये सब ये अपने अपमान का बदला लेने के लिए कर रही है। अभी अभी आपने इन्हें मंडप से बाहर जो कर दिया था। नहीं, हमारी बात का यकीन मानिए। हम सुनो, मोरोपंत स्वयं हमारे पास इस पंडित को लेकर आए थे और तुम इसे षड्यंत्र बता रही हो। हम तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर ले मोतीबाई? है कोई साक्षी तुम्हारे पास जो ये बता सके कि ये असली पंडित है? कीजिएगा, हमारे पास सबूत में इनके अलावा और कोई नहीं। अब तुम अपने अपमान का बदला लेने के लिए यहाँ किसी को भी खड़ा कर सकती हो। हुजूर, ये हम पे बेजा इल्जाम है, हमारा यकीन कीजिए। अब तो घर ही जा रहे थे कि रास्ते में। चुप रहो, तुम इसे यहाँ लाकर हमारे राव बा के विवाह में विघ्न डालना चाह रही हो। खुदा के लिए हम पे ऐसा इल्जाम मत लगाइए। अगर आप लोगों को हमारी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो इन्हीं से पूछ लीजिए, क्या ये असली पंडित है? हाँ, हम ही असली पंडित हैं। ये देखिए, ये देखिए, श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने हमें पत्र देकर मोरोपंत जी के पास भेजा है। ये भगवान, हाँ, अब ये मत कहना कि मैंने पत्र तुमसे छीना है। हाँ, तुम्हें ये पत्र मुझसे छीना है। हम कैसे मान ले कि आप सच बोल रहे हैं? जानकी बाई साहिबा, इस बेचारे को तो हाथ पैर बांधकर कोठरी में कैद कर दिया गया था। रावा, इसे कह दो कि यहाँ से चली जाए। वैसे भी वैश्याएं कभी किसी का घर बसते देखना नहीं चाहती। श्री साहिबा, शायद आप सही फरमा रही, लेकिन एक वैश्यामी औरत होती है और कोई भी औरत अपनी छोटी बहन का बनता हुआ घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। हमारा यकीन कीजिए, ये नकली पंडित है और अगर इसके जरिए शादी कराई गई तो उसे बड़ी आसानी से नाजायज साबित कर दिया जाएगा। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है। मोतीबाई, तुम इतने विश्वास से कैसे कह रही हो कि ये षड्यंत्र है? आयश्री साहिबा, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो महाराज गंगाधर राव की शादी से कतई खुश नहीं। जहाँ तक हमें ज्ञात है, आप खुद इस विवाह को होने नहीं देना चाहते। हाँ, और वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और अब हमारी छोटी बहन ने हमारी आंखें खोल दी, लेकिन उन लोगों की आंखों पर अभी भी खुदगर्जी का पर्दा पड़ा हुआ है। बहुत हो गया मोतीबाई। रावा, इसे और इसके पाखंडी पंडित को यहाँ से भेज दो। ये विवाह के शुभ मुहूर्त को टालने का प्रयास कर रही है। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, हम बहुत गलत फैसला ले रहे हैं। हम कसम खा के बहुत हो गया। तुम्हारा साहस इतना बढ़ गया कि हमारी आयश्री को गलत सिद्ध करने की चेष्टा कर रही हो। Your Majesty, please do not allow this to interrupt the marriage process. Allow me. बाबा, आप तो कहते थे कि राजधर्म सत्य निष्ठा पर आधारित होता है और किसी को भी बिना आरोप सिद्ध किए दंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार तो किसी को भी न्याय नहीं मिलता। भगवान के लिए चुप हो जाओ बेटे। नहीं बाबा, महारानी जी को बोलने दीजिए। हम इनका मत भी सुनना चाहिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, मोतीबाई जी हमारी बड़ी बहन जैसी है और जहाँ तक हमने सुना था उन्होंने तो आपकी जान बचाई थी, तो वो क्यों इस शादी को तोड़ना चाहेंगे? वैसे भी अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि इन दोनों पंडित महाशय में से सत्य कौन बोल रहा है। परंतु मोतीबाई दंडित हो गई। देखा मोतीबाई, पलट के वापस कैसा आया है। Think about it. Future queen of Jhansi का ड्रीम देख पानी आज क्या है? Nothing. फ्रेजर, वक्त पलट के कभी नहीं आता। उस दिन से डरो जिस दिन यही वक्त सच को सामने लाके खड़ा कर देगा। No, वो दिन मैं नहीं आने दूंगा। No, तुम बस आज की सोचो। आज बता तुझे कौन बचाने है? वहीं रुक जाओ। छूना भी मत देना फ्रेजर साहब। एक महिला है और वो भी हिंदुस्तानी महिला। How dare you? यहाँ कैसे आया? जब आप मोतीबाई जी को दरबार से ला रहे थे, तभी मैं समझ गया था कि आप इनके साथ अभद्र व्यवहार अवश्य करोगे। इसीलिए मैं यहाँ पे आया। एक बात का ध्यान रखना फ्रेजर साहब, इन पर आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं और यदि आरोप सिद्ध भी हो गए तब भी इनको दंड देने का अधिकार केवल और केवल महाराज गंगाधर राव को है और किसी को नहीं। मोतीबाई जी, बैठिए आप यहाँ पे। पंडित जी, आप यहाँ आइए। श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने पत्र देकर आपको भेजा था। जी, हाँ जी महाराज। हाँ। अब आप बताइए सत्य क्या है? महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूं, झूठ नहीं बोल सकता। बिठूर के श्रीमंत सरकार बाजीराव पेशवा महाराज ने मुझे पत्र दिया था और स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया था कि मैं अति शीघ्र झांसी पहुंचकर मोरोपंत जी की ओर से वधू मणिकर्णिका देवी का विवाह संपन्न कराइए। और मैं आया भी, मगर इन्होंने जल में न जाने क्या मिलाकर मुझे पिला दिया और मैं मूर्छित हो गया। यदि वो शिष्ट स्त्री मेरे बंधन न खोलती तो। आपकी बात विश्वास योग्य नहीं है पंडित, क्योंकि पत्र इनके पास है। परंतु संदेह है कि घेरे में आप भी हैं। हमने सुना है कि पांडित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण ऐसी स्थिति में अपना सत्य प्रमाणित करने के लिए अपना जनेऊ अग्निकुंड में समर्पित कर देते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये रहा, ये रहा मेरा जनेऊ और ये रहा अग्निकुंड। कर दिया समर्पित। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि असली पंडित मैं ही हूं। इन्होंने तो सिद्ध कर दिया। महाराज, यदि सेवक की सत्य बात भी असत्य प्रतीत होती हो और इसके लिए मेरे प्राण जाने की भी आशंका हो तो भी मैं अपना यज्ञोपवीत नहीं उतारूंगा। आप मुझे जो चाहें दंड दीजिए। बंदी बना लो इसे। इन्हें नहीं, इसे बंदी बनाओ। संस्कारी पंडित अपने जनेऊ को अंतिम संस्कार तक अपने शरीर से अलग नहीं होने देता। और इसका निर्णय हम विवाह के पश्चात करेंगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखें, आपका पूरा परिवार हमारे सैनिकों की निगरानी में अतिथियों की तरह रहेगा। आपने कभी भी कहीं भी मुंह खोल हमारा नाम लेने की चेष्टा की तो हम अच्छी तरह से जानते हैं इस तरह के अतिथियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। मोतीबाई को मुक्त किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इस समय मणिकर्णिका का बोलना आपको अनुचित लगा हो तो मैं नहीं। बाबा, इन्होंने तो इस समय हमें बहुत बड़े संकट से बचाया, अन्यथा हम घोर पाप के भागी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और कुछ कहना चाहती हैं? जी महाराज, मोतीबाई जी हमारे बड़ी बहन समान है। कृपया आप उन्हें इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दें।